कृषि विधेयकों के विरुद्ध दिल्ली के किसान आंदोलन की आंच अब ग्वालियर में भी नजर आने लगी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अब किसानों के समर्थन में आगे आ गई है। किसान आंदोलन के समर्थन में सीटू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। साथ ही सीटू ने उद्योगपति अडानी और मुकेश अंबानी के पुतले भी जलाए हैं। सीटू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी और अंबानी के लिए काम करने और देश की संपत्ति को नीलाम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उनका कहना है कि यदि ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया गया तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। आज जो पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसी कड़ी में आज ग्वालियर में जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय है वहां से संयुक्त मोर्चा के इधर रैली आई है और जो देश में 3 काले कानून जो पास किए हैं जो तानाशाही रवैये से मोदी सरकार ने उनको वापस लेने के लिए इधर विरोध दर्ज किया है और उसी के तहत नरेंद्र मोदी जी का यह पूर्वा चौरा ग्वालियर में पुतला दहन किया है और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक किसान विरोधी जो काले कानून पास किए हैं उनको वापस नहीं लिया जाता। आठ दिसंबर का जो भारत बंद कॉल हुआ है उसमें जन अधिकार पार्टी भारत सरकार के साथ लेगी। हमारा संकल्प मोर्चा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में है। हम सब लोग मिलकर ग्वालियर के हर क्षेत्र में दुकानों को व्यापारियों को समझाएंगे और उनसे भी कहेंगे आप भी किसानों के हित में संघर्ष करें। आज आप छोटे व्यापारियों को मोदी नहीं देख रहे हैं। आज बेरोजगारी बढ़ रही है उसी कड़ी में आज जो किसान है जो किसान अन्नदाता होता है पूरे देश को चलाने वाला आज उसके ऊपर भी कुठाराघात हो रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा किसानों के लिए। अगर हमें हमारे नौजवानों को मैं तो एक संदेश देना चाहूंगा हर व्यक्ति को कि अगर उनके सम्मान में अगर आपको खून भी बहाना पड़े तो उसके लिए भी रोड़ा पर उतर जाइए। तानाशाही हिटलरशाही नीति इस भारत देश में लागू नहीं होगी क्योंकि किसान हर वर्ग में पाया जाता है।